स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बीए सेकंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल का। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम आखिरी बिंदु जो था हमारा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसको कहते हैं मानव और पर्यावरण के प्रभाव, मानव के पर्यावरण पर प्रभाव या मानवीय क्रियाकलापों के पर्यावरण पर प्रभाव। यह हमारा आखिरी बिंदु है जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण या पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने इसके अंतर्गत दो बिंदुओं को देखा था, जिसमें स्थलाकृतियों पर होने वाले मानव के क्रियाकलापों के प्रभावों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने देखा था जलवायु के ऊपर मानव किस प्रकार से प्रभावी है, मानव के क्रियाकलापों का जलवायु के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को हमने देखा था। आज इस कक्षा में हम आगे की बात करेंगे, जिसको कहा जाता है कि जलीय जो जलाशय होते हैं उन पर मानव की क्रियाकलापों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सामान्यतः मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उसमें जल का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो बिना जल के बनी हुई हो, जिसमें जल की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई हो। या तो उसको बनाने में जल की आवश्यकता महसूस होती है, या उसको जो बनाता है उसको जल की आवश्यकता महसूस होती है। देखिए, दुनिया में अधिकतर चीज़ें इंसान बनाता है अपने इस्तेमाल के लिए, प्राकृतिक चीज़ें तो है ही, प्राकृतिक चीज़ों को भी जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हर एक चीज़ को पानी की आवश्यकता तो होती ही है, कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति से लेकर के उसके अंत तक। तो पानी की आवश्यकता एक ज़रूरी है। तो मानव ने क्या किया है, उसी पानी को प्रदूषित किया है बहुत भयंकर तरीके से, हर तरीके से। नदी हो, नाला हो, तालाब हो, नहर हो, सागर हो, महासागर हो, किसी को नहीं छोड़ा मानव ने। हर एक चीज़ को मानव प्रभावित करने में लगा हुआ है, प्रदूषित करने में लगा हुआ है। हम कहते हैं कि मानव ने प्रदूषित किया है, और हम खुद ही मानव है, हम भी उसमें पीछे नहीं हैं। हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है किसी भौतिक चीज़ को, प्राकृतिक चीज़ को प्रदूषित करने में। हम खुद ही नहीं सुधरे, दूसरों को क्या सुधार पाएंगे। ठीक है, तो दूसरों को कहने के बजाय हम खुद से पहल करनी चाहिए, खुद से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, मानव क्या करता है, ऐसे बिस्लेरी की बोतल ली, पानी पिया, आधा पानी फेंक दिया, वो भी पानी को प्रदूषित करने में आता है। क्योंकि जो आधा पानी वो फेंका है वो और कोई पी सकता था, लेकिन वो आधा पानी अब वेस्टेज है, उसको कोई नहीं पिएगा। होटल में भी जाते हैं तो आजकल हाफ ग्लास देते हैं। ठीक है, वो जल पर्यावरण, जल को संरक्षित करने के लिए, जल को बचाने का एक तरीका निकाला है उन्होंने। वो पूछते हैं पहले कि हाफ वाटर लेंगे या फुल वाटर, फुल ग्लास लेंगे। तो एकदम से आप भी जाओगे तो हो सकता है आपको आश्चर्य हो, लेकिन आजकल ये नया नियम चला है होटल में कि आधा गिलास पानी देते हैं वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन मानव किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। देखिए, हमारे घरों से जो अपशिष्ट कचरा निकलता है, जैसे कपड़े धोते हैं उसका पानी, और कुछ अन्य चीज़ें धोते हैं, बर्तन धोते हैं, हम नहाते हैं या फिर घर की सफाई करते हैं तो कीचड़ निकलता है, तो उसका पानी, वो सब पानी हम नालियों में पहुंचा देते हैं। ठीक है, अगर नालियां ना हुई तो गाँव में अक्सर नालियां नहीं हुआ करती। तो वो क्या करते हैं, आप में से भी बहुत से घर में नालियां नहीं होगी, तो वो गाँव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, अपने घरों के सामने ही पानी जाने देते हैं, चाहे वो रोड हो चाहे वो कुछ भी हो, घरों के सामने पानी तैरता हुआ रहता है। अब हम सोचते हैं कि ये उसकी वजह से पानी आ रहा है, वो सोचता है कि हमारी वजह से आ रहा है, दोनों मिलकर सोचते हैं कि तीसरी की वजह से आ रहा है, तो उस मुद्दे का कोई हल नहीं निकल पाता और सभी आपस में मजबूर रहते हैं उस पानी में रहने के लिए। लेकिन आजकल की जागरूक जनता है, सरकार के पास जाती है, साहब सड़क बनाइए, नाला बनवाइए, सरकार भी जो है सड़क बनवा देती है, नाला बनवा देती है, लेकिन हम तो अपनी आदतों से बाज थोड़ी आने वाले हैं, हम फिर वही उस नाले में भी कचरा भरेंगे, उस नाले में कूड़ा करकट पन्नी बकरी की मैंगनी उसकी मैंगनी भैंस का गोबर वगैरह सब कुछ उसी में जाने देते हैं, और उसकी कभी सफाई करने की हम सोचते नहीं हैं।
उसमें आधा कीचड़ भर गया, फिर उसके ऊपर पानी चल रहा है, कभी उसका पानी बाहर आ गया। तो ये सारी चीज़ें मानव ही करता है। मानव अगर देख रेख उसकी करता रहे तो क्यों ऐसा हो। ये भी माइनर चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज़ जिनको सरकार पनपाती है, अधिकतर जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है वो नदियों के किनारे ही लगी हुई है। क्योंकि हम नदियों में जब इंडस्ट्री पढ़ते हैं भारत की, तो उसमें एक चीज़ आती है इंडस्ट्री में कि इनकी जो स्थिति होती है, इनका जो स्थानीयकरण होता है, वो नदियों के किनारे अक्सर लगाया जाता है इनको। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे इनको जल की पूर्ति होती है, सस्ती जल विद्युत उससे मिल जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, उससे ले तो लेते हैं अपना काम, लेकिन अपना जो अपशिष्ट होता है, जो कारखानों से निकलता है, उस अपशिष्ट को कहाँ धकेल देते हैं, ये धकेल देते हैं वापस से उसी नदी में, उसी नाले में। तो ये क्या होता है, ये सब जल को प्रदूषित करने वाले कारक है। जल इससे प्रदूषित होता है, वो प्रदूषित जल बहता हुआ जाता है आगे किसी स्थान पर इकट्ठा होता है, वहाँ बीमारियाँ फैलाता है, महासागरों में जाता है, मछलियों को मारता है, जलीय वनस्पतियों को नष्ट करता है, जलीय पारिस्थिति को नष्ट करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत देखी जाती है। तो हम जलाशयों पर प्रभाव पड़ रहे थे, बहुत सारी बातें कर ली। अब देखिए जलाशयों पर प्रभाव कैसे करता है मानव। मानवीय क्रियाकलापों से नदी, झीलें, तालाब, छोटे जलाशय ही नहीं बल्कि सागर और महासागर जैसे बड़े जलाशय भी क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्रदूषित हो रहे हैं। उन सभी का कारण मालूम है हमको, मानव अपने अपशिष्टों को, बहुत सी जगह तो सीवर लाइनों को ही छोड़ दिया जाता है पानी में, और वो पानी नहर का होता है, वो पानी नदी का होता है, उस पानी से कई लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। उनको क्या मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं, बस प्यास बुझाना है, और वो किसका पानी आ रहा है ये क्या मालूम। तो अधिकतर शहरों में ऐसा हुआ करता है, गाँव में तो फिर भी अच्छे हैं, हेडपम्प चला ले तो शुद्ध पानी आता है हमारे, लेकिन शहरों में क्या पता कैसा पानी पी रहे हो, हमको मालूम नहीं है। मानव द्वारा जल में बहाया गया घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट कहते हैं बचे हुए कचरे को, जो किसी भी काम का नहीं होता, बचा हुआ जो माल होता है उसको, उसको क्या है, और मृत पशुओं को, यहाँ तक कि मृत मनुष्यों को भी पानी में बहा दिया जाता है। जाओ भैया गंगा जाओ, गंगा स्नान करा देते हैं उसको, मरने वालों की लाशें भी छोड़ दी जाती है कहीं तो, और ये भी सिस्टम गलत है कि मरने वाले की राख को भी उसमें डाल दिया जाता है, उससे भी जल प्रदूषित होता है, क्या पता कोई पानी पी रहा हो उसका, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम हमारे थोड़े से गलत है, इनसे हमको बाज आना चाहिए। मृत पशुओं के जल में सड़ने, गलने और अन्य कारणों से, मृत पशु डाल देते हैं उसमें, पशु भी डाल देते हैं, वो क्या है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। अब वो सड़ते हैं और गलते हैं, इसके बाद कुछ भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है जल में, भौतिक और रासायनिक गुणों में जल के परिवर्तन आ जाता है। जब इसके भौतिक और रासायनिक में परिवर्तन आ जाता है तो उसको ही जल का प्रदूषित होना कहते हैं, जल उसी को प्रदूषित होना कहते हैं जल का, जिसका प्रमुख जो क्या होता है कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या है, औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, ये इसका प्रमुख कारण है। प्रदूषित जल के उपयोग से कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जल जनित बीमारियाँ, प्राकृतिक मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सारा सब कुछ नष्ट हो जाता है जल के प्रदूषित होने के कारण। और जल के प्रदूषित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, इंसान, मानव, वही मानव जो 21वीं सदी में जी रहा है, वही मानव जो खुद को सभ्य कहता है, वही मानव जो बातें तो बड़ी बड़ी करता है होटल में बैठ कर के, लेकिन होटल में पेप्सी पीने के बाद वो पेप्सी की बोतल को बाहर फेंकता है, वही मानव है ये, वही मानव है जो जब तक भोजन करता है अपने सामने रखी हुई सब्जी को सब्जी समझता है, और जब उस सब्जी को छोड़ देता है तो वो उसके लिए बेकार चीज़ होती, कचरा हो जाती है वो उसके लिए, पता है, जब तक वो खाता है तब तक उसके लिए सब्जी है, जब वो खा के फुल हो चुका बची है उसमें तो वो उसके लिए कचरा हो गई, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई दूसरा उसको नहीं खा सकता, झूठा है, ऊँठा हो गया है तो ओए होए क्या हो जाएगा उसको खाने से। हाँ मैं तो खूब खाता हूँ भाई ऐसा, दूसरे की बची हुई चीज़। मेरा एक दोस्त है, आपको मैं बताऊँ, मेरा एक दोस्त है, वो हम जब क्रिकेट खेला करते थे तो एक एक रुपये की पेप्सी आती थी पीने की, आती थी वो बर्फ़ जमी हुई उसमें,
तो हम सब लेके आते थे मैच जीतने के बाद, सबको बांटी जाती थी वो एक एक रुपए की, एक एक दो दो सबको। तो वो क्या करता था, सबकी सबसे पहले खुद की खाता था और फिर बाद में बचे हुए जो कमज़ोर लोग थे हमारे में से उन सब की छीन छीन के आधी आधी जो बची रहती थी उसको भी खा जाता था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है हमारी टीम का, और फिलहाल वो सेकेंड ग्रेड की टीचर भी है, लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं है। आप अगर पास्ता खा रहे हो उनके सामने, सैंडविच खा रहे हो, आप अगर समोसा खा रहे हो, तो आपका खैर नहीं है, है ना। आपने चाहे आधा खाया हो, कैसे भी खाया हो आपने, वो खा लेगा, जबकि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट 10वीं में 90% है उसकी, और फिलहाल सेकेंड ग्रेड टीचर भी है उसकी हालत है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम कहते हैं ऊंटन है, झूठन है, तो उसको अपशिष्ट समझ करके फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रदूषित करती है किसी भी चीज़ को। तो जल प्रदूषित में, जल प्रदूषण में ये है, बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपसे, इसको लिख लीजिए आप, 2-3 मिनट का टाइम है, फिर इसके बाद दूसरा बिंदु देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, वीडियो चलता रहेगा 2-3 मिनट में। आसमां छू के आने की जिद है मुझे, आसमां छू के आने की जिद है मुझे। धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता। किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की जिद है मुझे। है ताल्लुक जो टूटा तो टूटा रहे, मुझसे रूठा है कोई तो रूठा रहे। इन दिनों में तो खुद ही से नाराज हूँ, इन दिनों में तो खुद ही से नाराज हूँ। कौन मुझसे खफा है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की जिद है मुझे। तू मेरा रंग है, तू मेरा रूप है, तू मेरी छांव है, तू मेरी धूप है। तू जहां मिल गया मैं वहीं रुक गया, तू जहां मिल गया मैं वहीं रुक गया। घर है ये रास्ता क्या मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की जिद है मुझे। घर है ये रास्ता ये मुझे क्या पता, आसमां छू के। इसके बाद चौथा कारण देखते हैं हम, मिट्टी पर प्रभाव, मानवीय क्रियाकलापों का मिट्टी पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हमने देखा था जलाशयों पर प्रभाव, यानी कि मानव के क्रियाकलाप किस तरीके से जल पर प्रभाव करते हैं। अब देखिए मिट्टी पर प्रभाव, मानव जितने भी क्रियाकलाप करता है सब मिट्टी पर करता है, यानी कि भूमि के ऊपर करता है। यहाँ तक कि माना गया है कि मानव
मिट्टी से ही बनाया गया है, मिट्टी से ही पैदा हुआ है। मानव के अंदर चार पांच तत्व पाए जाते हैं, कहते हैं आग हवा लोहा पानी वगैरह मानव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। उसमें से लोहांश की जो मात्रा है वो मिट्टी से ही प्राप्त करता है, ऊष्मा भी मानव मिट्टी से ही प्राप्त करता है, सारी चीज़ें मानव मिट्टी से प्राप्त करता है कही जाए तो, है ना। देखिए हम जो पानी पीते हैं वो ज़मीन में से निकलता है, हम खाना खाते हैं जो ज़मीन में से निकलता है, निकलता मीन गेहूँ वगैरह जितनी भी हम खाते हैं जो भी चीज़ें वो सब ज़मीन में ही उगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं मानव मिट्टी से पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मानव उसी को प्रदूषित करने में लगा है। देखिए प्राचीन काल तो क्या कहूँ मैं, 50-60 साल पहले की बात कर लीजिए, 50-60 साल पहले बहुत मजबूत लोग हुआ करते थे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत लोग हुआ करते थे पहले के, जो इतने बलशाली हुआ करते थे कि पहाड़ों को खोद दिया करते थे अपने हाथों से, पहाड़ों को तोड़ दिया करते थे, काट दिया करते थे। अब उन्हीं के लिए मानव को कई तमाम तरीके की मशीनें लगानी पड़ती है छोटे मोटे काम के लिए। पहले मानव आसानी से कुआं खोद दिया करता था मिल करके, बड़े बड़े जो राजा महाराजाओं के महल आपको दिखाई देते हैं उसमें बड़े बड़े जो पत्थर रखे होते हैं वो क्या मशीनों से लगाए गए हैं, इंसानों ने लगाए हैं। तो मजबूती थी मानव में क्योंकि मिट्टी में दम था और मानव जो मिट्टी की उपज खाता था वो ओरिजिनल वाली होती थी। वर्तमान में हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मिट्टी की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। और जब वो मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती जा रही है तो मिट्टी में कृत्रिम रूप से जो कीटनाशकों का उपयोग करके, उर्वरकों का उपयोग करके ज़बरदस्ती फलों को मोटा किया जा रहा है, ताज़ा किया जा रहा है, वो बेस्वाद हो जाते हैं और हमको लगते आकर्षक है, पहले की तुलना में बहुत अच्छे लगते हैं, और पहले के तो सड़े गले होते थे लेकिन उनमें दम होता था, क्वालिटी होती थी। आजकल के बिल्कुल बेकार चीज़ें आती है जो भी बाज़ार में जो मिलती है, वो सारी चीज़ें स्वाद ज़रूर नहीं होता, स्वाद ज़रूर होता है उसमें लेकिन क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। उस वजह से मिट्टी की ये सब कारण क्या है, इसका मिट्टी का ह्रास हुआ करता है। पुराने लोगों से पूछो आज के आटे की रोटी उनको अच्छी नहीं लगती, पहले लाल गेहूँ आता था, काठा गेहूँ जिसको बोलते थे, उस काठे गेहूँ की रोटी खा करके लोग मस्त रहा करते थे और अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। वर्तमान में 1482 सोना कल्याण पता नहीं कौन कौन सी किस्म गेहूँ की चल रही है जो मानव के स्वास्थ्य पर अनुकूल की जगह प्रतिकूल प्रभाव डालती है ना। हम सोचते तो हैं कि भाई अच्छी चीज़ है लेकिन मानव के शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो बनाई गई किस्में हैं, ओरिजिनल वाली नहीं है, कृत्रिम रूप से बनाई गई किस्में हैं ये। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरक हमारी ज़िंदगी में हमको धीरे धीरे काट रहा है, हमको ही नहीं बल्कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी उससे ख़राब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, इसे मृदा प्रदूषण इसी को बोलते हैं। देखिए मानव को मिट्टी की उपज माना जाता है, ये तो सही बात है, हमने बचपन से ही पढ़ा है, लेकिन मानव अपनी बुद्धिमता दिमाग लगा करके कुशलता कार्यों को करके और आवश्यकता ज़रूरत के मुताबिक मिट्टी के निर्माण उर्वरता आदि को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। मानव ने मिट्टी के निर्माण को भी प्रभावित किया है। मिट्टी का निर्माण होता है कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण होता है जलोड़ों से, जलोड़ मिट्टी कहते हैं ना जलोड़। अब मानव ने पहाड़ नदियों पर डैम बना दिए, बताइए ये पानी तो बह करके आएगा ही नहीं ना भाई। अब नदियों, अब टिहरी बांध बना दिया वहीं पहाड़ों के बीच में ही जहाँ से नदियाँ निकलती वहीं बना दिया ऊपर के ऊपर। अब बताओ बाटा लोडी जो गुड़क गुड़क करके आते थे वो कहाँ से आएंगे, नहीं आ पाएंगे ना, अब तो मिट्टी भी नहीं बन पाएगी। तो मानव इस तरीके से मिट्टी के निर्माण को भी प्रभावित किया है मानव ने, मिट्टी की उर्वरता को ही नहीं, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित किया, उर्वरता को प्रभावित किया है। और किसान कृषि करने के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करने लगा है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने लगा है, जिसे क्या है मिट्टी की उर्वरता ख़त्म होने लगती है, मिट्टी की उर्वरता नष्ट होने लगती है, जिससे इसी को क्या है मृदा प्रदूषण कहते हैं, इससे गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है ना, उसका हमको मालूम नहीं चलता। हम जैसे मानव के खोपड़ी में से बाल धीरे धीरे दो चार बाल रोजाना आते हैं, वो देखता है यूँ करता है मेरे तो बाल झड़ रहे हैं। अब क्यों झड़ रहे हैं वो कारण तो हमको मालूम ही नहीं है, फिर कहते हैं वो शैम्पू लगाओ, वो शैम्पू लगाओ, वो तेल लगाओ, कैश किंग लगाओ, बादाम आंवला वो आंवला। अब जो बादाम आंवला और पता नहीं कौन कौन से जो तेल आते हैं बाज़ार में उनका जो एडवर्टाइज करते हैं, उन महिलाओं के पतियों के खोपड़ी देख लीजिए आप एक बार, अगर होता तो उनके पतियों की खोपड़ी चमका लेती वो, ठीक है, ऐसी खोपड़ियाँ उनकी चट्टान चमकदार,
हैं, ऐसी चट्टाने हैं, चमकदार चट्टाने, उनका ह्रास होता है जिससे मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने लगती है, इससे मृदा प्रदूषण की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। और यहाँ तक मानव ने क्या किया है, मिट्टी अपरदन को भी प्रभावित किया है, उर्वरता को तो प्रभावित किया है, वनों को काट दिया। अब वन बेचारे कम तो बारिश के मौसम में वन बेचारे क्या करते थे, मिट्टी को बहने से रोक तो लिया करते थे कम से कम, लेकिन मानव ने उनको भी काट करके समतल कर दिया है, तो मृदा अपरदन को बढ़ावा दिया है मानव ने। और कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से मानव ने या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की उर्वरता के लिए प्रमुख जिम्मेदार जो इंसान है मानव ही। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो मिट्टी पर मानव के प्रभावों को दर्शाती है। इसको भी आप लिख लीजिए, उतार लीजिए, आपको 2-3 मिनट का समय फिर से दिया जा रहा है, लिख लीजिए। तू मेरा रंग है, तू मेरा रूप है, तू मेरी छांव है, तू मेरा धूप है, तू जहां मिल गया मैं वहीं रुक गया, घर है या रास्ता है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की जिद है मुझे, वह है बताए मुझे क्या पता, बेवफाई है क्या और क्या है वफा, मुझको महबूब है आपकी हर अदा, जो भी समझाइएगा समझ लूंगा मैं, जो भी समझाइएगा समझ लूंगा मैं, आपके दिल में क्या है मुझे क्या पता, आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझसे मिलकर के अंजुम कहाँ खो गया, लोग कहने लगे पे वफा हो गया, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं जिसका पता, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं जिसका पता, वो कहाँ लापता है मुझे क्या पता, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है और बाकी के जो हैं वो लिखेंगे हम कल, 1-2 बिंदु और है इसके, उनको हम कल लिख लेंगे, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। अब देखिए, आपकी जो अगली क्लासें होंगी वो अगली क्लासें मैं पीडीएफ के माध्यम से लूँगा, अगर ले सका तो। पीडीएफ जो मैंने 1-2 क्लासें बनाई थी बीच में, जैसे एक तो मैंने बताया था आपको जो
भारत के प्रदेश थे जनसंख्या संसाधन प्रदेश, उसका मैंने एक पीडीएफ डाला था। उस तरीके की आपकी क्लासें होंगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे बतला देना। यहाँ कमेंट ना करना आप, ठीक है, यहाँ मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ आपके आपने क्या कमेंट किया है, क्योंकि ये चैनल कॉलेज का है, कॉलेज वाले ही पढ़ पाते हैं। आप मुझे बता देना, आपके पास नंबर हो या फिर ग्रुप है, आपके पास ग्रुप मैंने ओपन कर रखा है आपके लिए चैट के लिए, और उसमें बेवजह की बातें तो आप करना नहीं, बस सिर्फ ये बता देना कि सिर्फ, ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा पढ़ा सकते हैं। संसाधन भूगोल हो सकता है आपके, स्टार्ट कर दूँ मैं पीडीएफ के माध्यम से, आपको उसमें समझा दिया जाएगा। फिर बाद में मैं आऊँगा वापस तो उस तरीके की वीडियो मैं आपके बना के दे दूँगा। फिलहाल एक दो क्लासें और होंगी इसी तरीके की, तब तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा मानव भूगोल का सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। फिर हम वो पीडीएफ वाली क्लासें जो ऑनलाइन होगी इसी तरीके से आपको आएगी, लेकिन मैं उसमें दिखाई नहीं दूंगा, सिर्फ मेरे बोल आपको सुनाई देंगे और लिखा हुआ और बनाया हुआ आपको दिखाई देगा, बस वही, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, चलता हूँ मैं, मिलेंगे आपसे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।